नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा। एक तरफ जहां अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, पुलिस चौकी आग के हवाले कर दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार युवाओं को स्कीम के फायदे समझाने में लगी हुई है। स्कीम के फायदे गिनाने कुछ युवाओं के वीडियो DD न्यूज चैनल पर प्रसारित किए गए, जिसमें युवा स्कीम के फायदे बताते हुए इस पर खुशी जता रहे हैं। लेकिन अब इस वीडियो पर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं मामले की तूल पकड़ने के बाद DD न्यूज ने ये दोनों ट्वीट डिलीट भी कर दिए हैं। दरअसल DD न्यूज चैनल के ट्विटर अकाउंट से दो वीडियो शेयर किए गए, जिसमें दो युवक अभिमन्यु वर्मा जौनपुर से और दिव्यम श्रीवास्तव बाराबंकी से अग्निवीर योजना की ये दोनों लोग फायदे गिना रहे हैं। दोनों वीडियो में बैकग्राउंड कपड़े जैसी कई समानताएं पाए जाने पर लोग इस DD न्यूज का घपला बता रहे हैं। विवाद बढ़ता देख ये दोनों वीडियो DD न्यूज ने अपने ट्विटर अकाउंट से हटा लिए हैं। पत्रकार स्वाति मिश्रा ने ट्विटर पर दोनों वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि जौनपुर और बाराबंकी में ये एक जगह हूबहू एक दूसरे जैसे ही दिखती हैं, शूट करते हुए कम से कम कैमरा ही घुमा लेते। एक और ट्वीट करते हुए स्वाति ने लिखा, वैसे सरकार DD न्यूज को बेच क्यों नहीं देती, उससे अच्छा प्रचार तो प्राइवेट न्यूज चैनल करते हैं। कांग्रेस नेता राजेश मिश्रा ने लिखा कि एक नौजवान जौनपुर का है और एक बाराबंकी का, और खास बात यह है कि इनके पीछे के बैकग्राउंड को देखिए, जो कि एकदम हूबहू एक दूसरे जैसे दिखते हैं, शूट करते हुए कैमरा ही घुमा लेते। अब DD न्यूज ने अपना ये ट्वीट भी डिलीट कर दिया। अब आप खुद सोचिए कि सरकार कैसे पूरे देश को गुमराह कर रही है। DD न्यूज की तरफ से डिलीट किए गए ट्वीट के आर्काइव लिंक को भी पत्रकार स्वाति मिश्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। खैर, ट्वीट डिलीट करने के बाद DD न्यूज की खबर पर सवाल तो उठता ही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।